हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, हम भी बढ़िया। आज लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में अधिकांश आते ही आती वो रिएक्शन है। आज आपको नेम रिएक्शन लेकर आए हैं, जो आपकी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ होती हैं, जिन्हें हम नेम रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज हम आपके लिए नेम रिएक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, जो कि इंटर वाले बच्चे जो सिलेबस पूरा पढ़ चुके हैं और उन्हें नेम रिएक्शन की आवश्यकता बहुत पड़ती है, तो आज हम नेम रिएक्शन दे रहे हैं। उन नेम रिएक्शनों को आप लोग पढ़िए और उन्हें समझो और याद भी करना है, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। उन्हीं की आधार पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली फर्स्ट हेडिंग है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछी जाती है, एक नंबर में ये रिएक्शन पूछी जाती है। इसे देखो, सबसे पहले आर एक्स प्लस टू एन ए प्लस आर एक्स के साथ अभिक्रिया कर दो, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अभिक्रिया कर देते हैं तो क्या होगा? ये ब्रेक होगी यहां से, ये हैलाइड ग्रुप यहां से, हैलोजन ग्रुप यहां से निकलेगा। ठीक, और एल्काइल ग्रुप किससे? एल्काइल ग्रुप किसके साथ हो जाएगा? ये एल्काइल एल्काइल के साथ हो जाएगा। तो अपन को क्या मिल जाएगा यहाँ पे? अपन को यहाँ लिख दें 2NaX, मतलब सोडियम हैलाइड है। ठीक है, सोडियम हैलाइड। अब अपन को क्या मिल जाएगा? एल्केन। क्या मिल जाएगा अपन को यहाँ पे? एल्केन की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी? एल्केन की प्राप्ति हो जाएगी। देखो, इसी का उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले ये देख लो, इसे लिखते कैसे हैं अपन, परिभाषा कैसे लिखते हैं, इस रिएक्शन की परिभाषा कैसे लिखेंगे। आर एक्स मतलब जब, हम यहां लिख रहे हैं जब एल्किल हैलाइड, किसको? एल्किल हैलाइड किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, या फिर एल्किल हैलाइड ले लो, या फिर हेलो हेलो एल्किल ले लो। क्या ले लो? हेलो एल्किन। ठीक, जब हम एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, किसके साथ? सोडियम धातु के साथ, किसके साथ कराना है अपन को? सोडियम धातु के साथ। अब क्या लिया है यहां पे? ड्राई ईथर। क्या ले रहे हैं? ड्राई ईथर की उपस्थिति में, की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो हमें एल्केन की प्राप्ति होती है। ठीक, अब देखते हैं, उदाहरण देख लो। एल्केन की जगह पे हम क्या ले रहे हैं? CH3 मैथिल क्लोराइड, Cl। क्या ले लिया यहाँ पे हमने? मैथिल क्लोराइड। ठीक, प्लस 2Na प्लस क्या ले रहे हैं? मैथिल क्लोराइड। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो यहां से क्या निकल जाएगा? आप देखो, यहां से क्या निकलेगा? ये यहां से ब्रेक होगा और ये यहां से ब्रेक होगा। ठीक, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, ठीक, टूट जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या मिल जाएगा? ये क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, और यहां क्या मिलेगा हमारे लिए? क्या मिलेगा यहां पे? यहां पे क्या मिल जाएगा? यहां पे मिलेगा हमें टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या मिल जाएगा? सोडियम क्लोराइड।
इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3 का क्या नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, दो कार्बन है एथेन, एथेन टू कार्बन है तो कितने, इसका नाम क्या हो जाएगा एथेन। ठीक, इसके बाद हम एक उदाहरण और लेते हैं, C2H5VR प्लस 2Na प्लस VR C2H5, क्या ले रहे हैं C2H5, या फिर यहां पे C2H5 ना लेकर अपन क्या ले लेते हैं CH3। ठीक है, किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो हमारे लिए क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां से ये, यहां से इतना ब्रेक हो जाएगा, ठीक, -2NaVr, ठीक, -2NaVr यहां पे हमें प्राप्त हो जाएगा। और यहां क्या मिलेगा हमें, यहां पे क्या मिल जाएगा, यहां पे C2H5 ले लो, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 की हमें प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या है, ब्यूटेन, क्या है, ब्यूटेन की हमें प्राप्ति हुई, चार कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसे, ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक, ये इसकी समरी कैसे लिखेंगे, इसकी समरी हमने लिख दी है। इसके बाद एक नोड है, नोट क्या है, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया द्वारा ऐसे, क्या है, ऐसे एल्केन, ऐसे एल्केन अधिक मात्रा में व सरलता से क्या हो जाते हैं, सरलता से प्राप्त होते हैं, जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या सम होती है, कार्बन परमाणु की संख्या कैसी होती है, सम होती है। ठीक, इसका उदाहरण देखते हैं अपन, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या लेंगे यहां पे, मेथिल क्लोराइड प्लस 2Na प्लस एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड किसकी उपस्थिति में कराना है हमें, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ठीक, तो क्या होगा, यहां से ये, यहां से ब्रेक हो जाएगा, ठीक, ठीक है, ये इसके साथ कंपाउंड बनेगा, तो यहां क्या लिखते हैं हम, 2NaCl, ठीक है, 2NaCl। अब क्या हो सकता है, अपन के लिए यहां पे तीन कंपोनेंट बनेंगे, क्या बनेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस, या फिर क्या बनेगा, या फिर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बन सकता है यहां पे आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर क्या बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। देखो अब तीनों के नाम अलग अलग हो गए, तीन कार्बन का है तो क्या हुआ, प्रोपेन, दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथेन, और चार कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेन। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम इसे इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसे उतार लेना। ठीक, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। देखो फीडिंग अभिक्रिया, फीडिंग अभिक्रिया में क्या होता है, जब हम एराइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में, सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, डाई एराइल की प्राप्ति होती है, क्या प्राप्ति होती है, डाई एराइल की। ये क्या है, एराइल ग्रुप, ये क्या है, हैलाइड ग्रुप, ये क्या है, सोडियम,
ये क्या है आपका सेम है ठीक। इसके बाद इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं हम, ड्राई इथर की उपस्थिति में, ड्राई इथर की उपस्थिति में कराएंगे तो 2NaX निकल जाएगा, डाई आपको एराइल आप की प्राप्ति हो जाएगी ठीक। इसे लिखेंगे कैसे, जब एराइल हैलाइड या हेलो एराइल या फिर हेलो एरीन ठीक, जब एराइल हैलाइड हेलो एरीन की अभी एने सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ ड्राई इथर की उपस्थिति में की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें डाई एराइल की प्राप्ति होती है ओके। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। इसके एग्जाम्पल देखो, उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, एग्जाम्पल देखो, इसका उदाहरण है बेंजीन हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई इथर की उपस्थिति में करने पर, ड्राई इथर की उपस्थिति में करने पर तो क्या निकल जाएगा, इसमें हैलाइड ग्रुप निकल जाएंगे किसके साथ, सोडियम के साथ, और हमें क्या मिल जाएगा, डाइफिनॉल की प्राप्ति होती है, डाइफिनॉल की प्राप्ति होती है। एक उदाहरण एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन ठीक, एक एग्जाम्पल और देखो, C6H5Cl प्लस 2Na प्लस Cl C6H5 अभिक्रिया करा दो ड्राई इथर की उपस्थिति में ठीक। 2Na क्या है, यहां से क्या निकलने वाला है, क्लोरीन निकलेगा, 2Na Cl प्लस प्लस क्या आएगा यहाँ पे, C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, इसे हम क्या बोलेंगे, डाइफिनॉल, क्या बोलेंगे, डाइफिनाइल ठीक, डाइफिनाइल बनेगा यहाँ पे ठीक। इसके बाद तीसरी, इसके बाद अगली रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं मिटा के, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग और लिख लेना। इसके बाद तीसरी एडिंग है, तीसरा है वुड्स फीडिंग अभिक्रिया, वुड्स फीडिंग अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में देखते हैं अपन,